करोड़ रुपया तुमने आज क्या किया पहले बताओ जल्दी बताना क्या किया नींद में अबे बताना भाई ये उठी नींद में सुबह सुबह वॉशरूम यूज कर रही थी टिश्यू रोल को टिश्यू को डालते हैं इसे टिश्यू रोल पॉट में अंदर डाल दिया कमोड में सोच लो ये नींद में कुछ भी कर सकती है तो मुझे अपने थोड़े अटेंटिव रहना पड़ेगा मतलब रात को पता नहीं क्या चाकू चूकू लेके आ जाए भरोसा नहीं है कुछ गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मी टू चैनल वंस अगेन आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग परफेक्टली फाइन अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं थक गया महसूस होके जय शिव शंकर धूप बड़ी सही निकली है आज थोड़ा धूप में बैठूंगा यार मैं 5-10 मिनट काफ़ी टाइम हो गया ना ऐसे और ये हमारी बालकनी देखिए हरी भरी बालकनी चलो भाई बड़े चाय बनाओ चाय तो पी ली सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं हमारी मछलियाँ कम और कम होती जा रही हैं यार ये गंदा हो रहा था क्या मैं साफ करता हूँ यार क्या हुआ सुनाई नहीं दे रहा ये मुझे ये बोलती रहती है गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अनुपमा एक चीज़ बता पूछना भूल गया एक चीज़ म्यूट करने के बाद एक चीज़ बताना कृपया एक चीज़ पूछना भूल गया जैसे वो जब कमोड में गिर गया तो निकाला कैसे उसको अरे आधा गिरा था ना ऊपर तो सूखा था उसको ऐसे उठाया और रख दिया साइड में हाय हाय हाथ धोए तूने उसके बाद खाना खा लीजिए नहीं मैंने नहीं धोया तो भाई उसी हाथ से खाना डाला है तुम्हारा और तूने वो सुखाने के लिए क्यों रखा है बाहर तो गीला डाल दी गई डस्टबिन में ऐसे वो पानी पानी हो जाता है सुखाने यूज मत कर लेना उसको यूज नहीं करूंगी तो फेंकूंगी तुम्हारे वॉशरूम में रखती हूं उसको तुझे पता भी नहीं चलेगा देखो चलो तुम्हारे वॉशरूम में जाएगा वो छी हाय हाय बकवास कर रहे हो गाली बकवास कर रहे हो सुबह सुबह गाली नहीं दी मैंने कहा बकवास कर रहे हो नहीं इसके रिकॉर्ड हो गया वो तो दांतों को तो तुम ये कंटिन्यू विद योर फेवरेट और मैडम ने आज बनाया है पोहा जो हमारे यहाँ का नेशनल ब्रेकफास्ट बन चुका है ये कब बंद होगा ये कब बंद होगा यार पोहा यार हर अल्टरनेट डे पे बन रहा है तो बनवा मतलब एक आध दिन तो बन सकता है सैटरडे संडे पक गई हूं मैं दो चार चीजें खा के बस पूरे 2 साल हो गए हैं पर वही सेम चीजें चलती है हमारे घर 2 साल हो गए हैं पेटेंट वही 4 सब्जियां आती हैं हर बार वो ही सेल बनता है मजा ले कि कुछ और बन जाए उसके अलावा परेशान कोई बात नहीं कल बनवा लेते चलो उससे बाहर के जो माल पूरे खा रहे हो वो तो काउंट ही नहीं करते तुम ब्रेकफास्ट ही काउंट कर रहे हो ओए भगवान तुम भी जीव लपर लपर के कर खा लेते हो क्या लपर 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 के घर वाली सब्जी में बाहर वाली में तुम्हें आलू नहीं बाहर में आलू कहाँ खाता हूँ बता कितने खा रहा हूँ मैं पनीर वाला बर्गर खा रहा हूँ बीच में खाया एक बार ही खाया पर 2-3 महीने में एनीवेज आज हम लोग काम चलाएंगे पोहा से पर ये चटनी बहुत अच्छी है चलो चलो तुम्हारा पेट नहीं रुकेगा चला नहीं तो चला दे पहले शाम का सूरज धीरे धीरे ढलता हुआ और मैंने मुझे ट्राई करना था टाटा टियागो ईवी के बाद बेसिकली हम ईवी देखने की कोशिश कर रहे हैं कल्पना के लिए गाड़ी लेनी थी जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ था पहले सोच रहे थे कि छोटी गाड़ी में स्विफ्ट सेलेरियो टाइप की गाड़ी देखेंगे बिकॉज माइलेज भी अच्छा होता है तो सिटी राइड के लिए वो भी काम कर जाएगी तो यही सोच के मैंने मंगाई टाटा ईवी की टाटा टियागो की ईवी टेस्ट ड्राइव के लिए तो बंदा आगे नीचे जरा हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं फटाफट मैडम भी रेडी हो रही है रेंज इसकी थोड़ी सी कम है इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये मैं सिटी में जा सकता हूँ बाहर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि देखो 230 की रेंज है जब मैंने पूछा भाई ईमानदारी से बताओ कितना चलता है मैंने एक दो यूज़र से भी पूछा हमारी सोसाइटी में भी एक दो लोगों के पास है तो वे कह रहे हैं 150-180 का मैक्स लेके चलो कि इस पर आपको चार्ज करवाना ही पड़ेगा तो सिटी राइड के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि मेरा थार का अगर मैं एवरेज भी निकालूं मेरा ऑफिस का मेजरली ऑफिस का जो भी अबाउट 35 किलोमीटर के आसपास है आना जाना तो पड़ता है महीने का लगभग 17-18 हज़ार रुपये
होगी, इसलिए वो 7-8 की माइलेज देती है सिटी में, ऊपर से इतना ट्रैफिक रहता है तो माइलेज आपको पता घुसती है उसमें। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड डील फॉर मी, बट एक बार ज़रा मतलब फाइनल करेंगे उसके बाद पता चलेगा। हेलो, नींद से उठो। चार को नींद से उठा दिया मैंने, पर अच्छा ज्ञान रहा तो सोती नहीं थी। क्यों दोपहर में सोया करो यार, तुम नींद में उठी गाड़ी के लिए, मुझे रेडियो की क्यों उठी? बोलो भाई, चिंटे बड़े चिंटे हैं भैया। अपने टियागो ईवी इसको टेस्ट ड्राइव करें। मैं अब पूछना चाह रहा हूँ अभी आपसे एक दो चीज़ें, ये वाली जो आप बता रहे हो, आप बताइए मुझे क्या बोल रहे थे आप? मेरा ठीक ठाक है, मेरा ज़्यादा मीठा नहीं गरम है, जरा नहीं जैसे तेरे बेटा तो मेरा ही है। हट, चीयर्स। हाँ, कितना मीठा लग रहा है, चाशनी पियोगे? वैसे तो गर्म है ना, इसलिए शायद मीठा नहीं लग रहा मुझे। टाटा ईवी टैगो ट्राई करने का हमारा एक्सपीरियंस किस तरह बताता हूँ जरा, ये बात पहले कुछ फल फ्रूट लिया जाए उसके बाद आता हूँ आपको। इनको देखिए, रात के टाइम पेड़ पौधों को पानी देते हुए हम दूर से पानी देते हैं। देखो तो भाई, हम लोग कुछ नहीं उसके बाद ऊपर आए, खाना वाना खाया और बैठ के हम लोग टी वी देख रहे थे। आपको जैसे मैंने बोला था कि मैं बताऊँगा, फीडबैक दूंगा उस गाड़ी का कैसा लगा मुझे। इलेक्ट्रिक तो मैं पहली बार चला रहा था, तो इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अच्छा था। मैंने बुलाई थी टाटा टियागो, इनका टॉप से टाटा टियागो ईवी, और ये था इनका टॉप से एक नीचे वाला मॉडल, और मतलब सारे फीचर थे यार जो भी चाहिए, क्रूज कंट्रोल एवरीथिंग। खास बात ये, मतलब सिंस मैंने उसको पहली बार ड्राइव किया किसी भी ईवी गाड़ी को, बिल्कुल स्मूथ, कोई नॉइस नहीं। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला गाड़ी स्टार्ट हो गई है। लेकिन एक दिक्कत सबसे बड़ी जो मुझे इसमें भी लगी, जो मुझे कॉमेट में लगी थी एमजी के, कि इसमें स्टेपनी नहीं दी इन लोगों ने, मतलब पता हो यार कॉस्ट कटिंग है यहाँ पे, तो टायर नहीं दिया। और स्टेपनी की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होती है हम लोगों को जो इंडियन रोड पे गाड़ी चलाते हैं, उबड़ खाबड़ गुड़गांव वाली रोड है, मतलब इस पे अगर नहीं दे रहे तो फिर किस पे दोगे? टायर स्टेपनी नहीं दी हुई, मेरा तो मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के, तो थोड़ा सा मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा ये चीज़। बट दे आर गिविंग अ टूल किट जिसमें आप प्रेशर से टायर में, इसको एक जेल की तरह होता है उसमें टायर में आप फिल कर सकते हो, तो 300-400 किलोमीटर चल रही थी गाड़ी उसके बाद। वो आई एम श्योर कोई अच्छी किट होगी, क्योंकि बिल्कुल टायर रिप्लेस करके अगर किट दे रहे हैं वो लोग, तो आई एम श्योर थोड़ा सा वर्थ होगा उसका। मुझे तो कॉमेट भी पसंद आ रही है, बट बीवी को पसंद नहीं है, क्योंकि उसका शेप अजीब सा है, बट डजेंट लुक लाइक ए कार, खासकर टॉय कार लगती है वो, उस कारण उसको ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। आज की वीडियो में यही था, वो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो आपको पता क्या करना है, लाइक जरूर करके जाना, और करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।